रेडी स्टार्ट। काली खांसी के प्रकोप ने दुनिया के अनेक देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। चीन में हुई कई मौतों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस, चेक गणराज्य और नीदरलैंड में भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। बच्चों और शिशुओं में विशेष रूप से काली खांसी का खतरा ज़्यादा दिख रहा है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति चीन में है। चीन में 2024 के पहले दो महीनों में 32,380 मामलों के साथ कम से कम 13 मौतें हुई हैं। वहां एक साल पहले की तुलना में 20 गुना ज़्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि चीन में काली खांसी से हालत कुछ ज़्यादा खराब होने की आशंका है। यह ध्यान रखने की बात है कि चीन अपनी बीमारियों को छिपाने की कोशिश करता है। यह हम अतीत में देख चुके हैं। काली खांसी एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो बोर्डेटेला बैक्टीरिया की वजह से होता है और छोटे बच्चों में ज़्यादा आसानी से फैलता है। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। काली खांसी में बुखार, छींक आने, आँखों और नाक से पानी निकलने व सूखी खांसी की शिकायतें होती हैं। वैसे तो काली खांसी के उपचार का एक माध्यम टीकाकरण है। 3 खुराक लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर सवाल यह उठता है कि जब काली खांसी की दवा मौजूद है तब चीन में इससे लोगों की मौत क्यों हुई है। जिनकी मौत हुई है उनके इतिहास को देखने की ज़रूरत है। क्या पहले से बीमार लोगों को काली खांसी की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है? मरने वालों में क्या केवल बच्चे हैं या बड़ी उम्र के लोगों की भी जान गई है? यथोचित दवा के बावजूद अगर मौत हो रही है तो यह बड़े पैमाने पर सोचने वाली बात है। आखिर चीन में संक्रमण वाली बीमारियां क्यों घातक रूप अख्तियार कर ले रही हैं? क्या चीन में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई है? क्या काली खांसी का पूरी तरह अंत किया जा सकता है? इस खांसी ने ऐसे अनेक सवाल पैदा कर दिए हैं। जब कोई खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है तो विशेष रूप से सावधान हो जाना समय की मांग है। चिकित्सकों को इसके सभी आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए। जिनकी मौत हुई है क्या उनको यथोचित टीके लगे थे? चीन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे
ज़्यादा पारदर्शी देशों को इस बीमारी के प्रति ज़्यादा सचेत रहना होगा। उधर भारत में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और साफ सफाई रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही जगह जगह वातानुकूलित व्यवस्था होने की वजह से भी ऐसी बीमारियों के संक्रमण को बल मिलेगा। कोरोना वायरस जब फैला था तब भी चिकित्सक खुले में ज़्यादा रहने और भीड़ भरे बंद कमरे में न रहने की सलाह देते थे। वही सावधानी अब काली खांसी में बरतने की सलाह देनी चाहिए। हाथ व शरीर को स्वच्छता और यदि बच्चा छींक या खांस रहा है तो उसके व अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। वातानुकूलित कमरों में रहना चूंकि मजबूरी है इसलिए हमें स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के पर्याप्त उपाय रखने पड़ेंगे। श्वास के मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया, दिल और दिमाग पर असर हो सकता है। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को जरूरी टीकों के साथ अपने मोर्चे पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए। ब्रह्म